दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम परीक्षाओं को लेकर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली और राजस्थान की सरकारों ने अपने यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटियों के सारे पेपर रद्द कर दिए गए हैं, अंतिम वर्ष के पेपर भी रद्द कर दिए हैं और छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है दिल्ली और राजस्थान में। तो उसी तरह से एक बड़ा निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या निर्णय लिया अपने राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिएगा और उससे पहले भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए सारी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं यूजी एंड पीजी एग्जाम 2020 यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर तक, डिप्टी सीएम ने कहा है। देखिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर तक कराई जाएंगी और स्कूलों में 31 अगस्त तक कक्षाएं नहीं चलेंगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये कहना है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये बड़ा बयान है यूनिवर्सिटी एग्जाम परीक्षाओं को लेकर, ठीक है। पूरी न्यूज क्या है आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर की परीक्षाएं अगस्त सितंबर में कराई जाएंगी। यह बातें यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कही है। उनके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार के जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 31 जुलाई तक स्कूल या कॉलेज में क्लासेस तो नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन यूजी और पीजी के फाइनल ईयर की परीक्षाएं अगस्त सितंबर में कराई जाएंगी। उनके अनुसार कुछ परीक्षाएं अगस्त महीने में कराई जाएंगी, इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे की परीक्षाएँ और क्लासेस चलाने का निर्णय किया जाएगा। तो देखिए ऐसा क्या कारण है कि केवल फाइनल ईयर की ही परीक्षा कराई जाएंगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार जो परीक्षाएं जुलाई में कराने की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया है यूजीसी ने। अब यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा को जरूरी बताते हुए इसे सितंबर महीने तक कराने की परमिशन दे दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी गाइडलाइंस लाइव परीक्षाओं का हो रहा है जमकर विरोध, राहुल गांधी ने कहा छात्रों में भ्रम पैदा कर रहा यूजीसी। तो यूजीसी का लगातार विरोध भी जारी। यूजीसी ने साथ में यह भी कहा है कि लोकल परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय और कॉलेज इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। यह परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में कराई जा सकती हैं, लेकिन इस मामले की जानकारी यूजीसी को देनी होगी। पहले और दूसरे साल की परीक्षाओं के बारे में नई गाइडलाइन में इसलिए कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि यूजीसी ने पहले ही यह कह दिया था कि पहले और दूसरे साल के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए। तो दोस्तों जो छात्र लगातार हमसे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि सर फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का ये बताइए, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है यूजीसी ने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कह दिया है कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर। बात यहाँ पर केवल फाइनल ईयर वालों की हो रही है। यूजीसी कहता है कि फाइनल ईयर की परीक्षा जरूरी है, जबकि कुछ राज्य हैं जैसे कि दिल्ली और राजस्थान, इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम फाइनल ईयर की भी परीक्षा नहीं कराएंगे और छात्रों को पिछली कक्षा के आधार पर अंक देकर प्रमोट कर देंगे। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर यूपी से। यूपी की सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराएंगे। यूपी सरकार का कहना है कि अगस्त सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।